कमरा में बहुत जोर है, हता तेरा जल्दी को जोर है। अच्छा सो हेलो दोस्तों, ये वीडियो केवल आपके मनोरंजन के लिए बनाई गई है, सो इसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग मेरे को बताइए कि ये क्या लिखा हुआ है, DRJ फिल्म्स। लेकिन जरा आप लोग इस सीन में देखिए, हालांकि यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है DRJ फिल्म्स। कुछ भी, अब इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं भाई। चलिए नेक्स्ट मिस्टेक की ओर चलते हैं। चलो भाई, अब इस सीन में जब पवन जी इस बंदे को मारते हैं तो ये गाड़ी से जाके टकराता है, लेकिन आप लोग गाड़ी के शीशे में देखिए। आप लोगों को नहीं लग रहा कि ये चीज कोई कैमरा लटकाने की चीज है? नहीं। अब ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। इस सीन में जब पवन जी इस आदमी का गला काटते हैं तो बहुत ज्यादा खून दिखाई देने लगता है, लेकिन एक मिनट, गले पे कोई कट क्यों नहीं दिखाई दे रहा भाई? बात तो सही है। अब इस सीन में आप लोग देखिए कि जब ये आदमी गिरता है तो यहाँ पे कितने ज्यादा पत्ते गिरे हुए हैं। और उसी सीन में नहीं, इस सीन में भी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन भाई मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि इतने सारे सूखे पत्ते यहाँ पे आ कहाँ से रहे हैं, क्योंकि आसपास तो कोई पेड़ दिखाई नहीं दे रहा जिसके की पत्ते सूखे हुए हों। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब इस सीन में जब पवन जी अपनी बॉडी दिखा रहे होते हैं तो जरा आप लोग इस बारिश को भी देख लीजिए। नहीं मतलब जब बारिश होती है तो एक ही डायरेक्शन में होती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। कुछ बारिश की बूंदे इस तरफ से आ रही हैं और कुछ बारिश की बूंदे इस तरफ से। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब मुझे ये पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग पवन जी के बहुत बड़े फैन होंगे, तो आप लोगों के लिए एक सवाल है। जरा आप लोग मेरे को ये बताइए कि पवन जी के पास ये कौन सी गाड़ी है और इसका क्या प्राइस होगा? मैं नहीं बताऊंगा। अब इस सीन में ये आदमी गोली मारने जा रहा है, लेकिन आप लोग इस पिस्टल का डायरेक्शन को ध्यान से देखिए। अब ये तो आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मस्त फाइट सीन चल रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि पीछे वो सारी गाड़ियाँ स्कॉर्पियो ही क्यों हैं। बात तो सही है। अब इस सीन में जब ये लड़की अकेली डांस कर रही होती है तो आप लोग इन लड़कों का जोश देख लीजिए। लेकिन अगले सीन में जब स्टेज पे पवन जी आते हैं तो ये लोग ऐसे मायूस हो जाते हैं जैसे कि यहाँ पे किसी का मातम चल रहा हो। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ भी। अब मुझे ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे इस गोबर का क्या काम है। अब इस सीन में जब पवन जी गोली चलाते हैं तो जरा आप लोग इस गोली को देखिए। नहीं मतलब ये गोली कुछ ज्यादा ही रियलिस्टिक नहीं लग रही है? और उससे भी ज्यादा रियलिस्टिक तो ये खून लग रहा है। अब कुछ भी कहो भाई, लेकिन पवन जी के पावर को तो मानना पड़ेगा। इन्होंने अकेले ही इतनी भारी भरकम JCB को पीछे ठेल दिया। नहीं मतलब लॉजिक नाम की भी कोई चीज होती है यार, ऐसा थोड़ी होता है। अच्छा हमको सिखा दिया है। अबे साले, अब मैंने पिछले सीन में आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा असली लगने वाली गोली को दिखाया था, लेकिन आप लोग इस गोली को भी देख लीजिए। ये गोली तो पिछली वाली गोली से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। मारो हमको, मारो हमको, जिंदा मत छोड़ो सालो। अब मैंने आप लोगों को इस फिल्म की कितनी ज्यादा मिस्टेक बता दी है, लेकिन अब आप लोग एक अच्छी मिस्टेक देख लीजिए। इस फिल्म में कितनी भी ज्यादा गलतियां हो, लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि इस पूरे फिल्म में पवन जी की असली बॉडी को दिखाया गया है, जो कि बहुत अच्छी लग रही है। ये नहीं कि मेरा भारत मान मूवी के जैसे ये सब किया गया है। बात तो सही है। खैर कुछ भी कहिए, लेकिन ये फिल्म बहुत अच्छी बनी है। और इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पर भी फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे ऐसी मस्त मस्त मिस्टेक्स दिखाई जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।